Hey guys, I'm Arafat and welcome to WebTech. तो गाइस टाइटल और थंबनेल देख के तो आप गेस कर ही चुके हैं आज का वीडियो कौन से टॉपिक में होने जा रहा है। जी हाँ, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता ही देता हूँ आपको। आज मैं लेने जा रहा हूँ वन ऑफ माय ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, आईफोन 14 प्रो। और कहीं ना कहीं आज जो 24 फरवरी है, मेरा बर्थडे है, तो मुझे लगा अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा गिफ्ट देना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि दूसरे कोई तो आपको आईफोन वगैरह गिफ्ट करने वाला है नहीं। मैं सोच रहा हूँ आईफोन 14 प्रो या मैक्स के बीच बिटवीन कन्फ्यूज़ हूँ, अभी भी स्टोर में जाके देख के डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल इतना तो श्योर हूँ कि 256 GB वेरियंट लेना है और डीप पर्पल कलर ही लेना है। उसका प्राइस 140,000 है। कहीं ना कहीं मुझे 115,000 के आसपास मिल रहा है, थोड़ा जुगाड़ लगा के। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कैसे आप भी ये प्राइस कम कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं स्टोर में। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना कुछ दिन रेस्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? तो चलिए मिलते हैं स्टोर में, जाके अनबॉक्स करते हैं अपना लाइफ का पहला आईफोन। Few moments later. तो गाइस मैं बस निकल ही रहा था स्टोर की तरफ अपना फोन लेने के लिए, बट मैं ऑफिस आया था और जाने से पहले एक बार मैं ऑनलाइन प्राइस चेक करना चाह रहा था, बट यहाँ पे तो सीन ही कुछ अलग है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैंने जैसे ही वेबसाइट खोला, यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन पे यहाँ पे 133,000 पे मिल रहा है ये 14 प्रो 256 GB। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके भी एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस ड्रिप हुआ, थोड़ा बहुत मतलब 7,000 का यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्काउंट मुझे दिखने को आ रहा है। सेम यहाँ पे वापस फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं प्राइस ड्रॉप हुआ आईफोन 14 प्रो डीप पर्पल कलर 256 GB। और मैं एडिशनली एप्पल स्टोर पर मतलब ऑनलाइन प्राइस चेक करा यहाँ पर, तो प्राइस जैसा था मतलब 140,000 ही है। ये देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ। मैं वापस स्टोर में भी फोन करा, फोन करके पूछा सच में क्या प्राइस ड्रॉप हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइस नहीं ड्रॉप हुआ, आप हमारे पास आए तो आपको 140,000 तो देना ही पड़ेगा। तो मैं सोचा क्या मैं करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इतना कॉस्टली मैं अमेजोन से लेने के लिए सोच रहा हूँ, जो कि कल मतलब कल तक डिलीवर हो जाएगा 23rd February को। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन ही प्लेस कर देंगे, बल्कि सोचा क्योंकि यहाँ पे 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे, सारे एक्सेसरीज और चार्जर वगैरह मिला के मतलब उसके अंदर ही आ जाएगा। तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ, आई डोंट नो क्या होने वाला है, मैं पेमेंट भी कर चुका हूँ। कल तक तो डिलीवरी शो कर रहा है अमेज़न पर, देखते हैं। तो फिर मिलते हैं कल, अनबॉक्सिंग करते हैं कल। 24 hours later गाइस, लगभग 24 आवर्स हो गए, मतलब एक दिन कंप्लीट हो गया। आज 9 बजे तक डिलीवरी होने के बाद था, लेकिन सुबह से वो एग्जीक्यूटिव भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आ रहा। मैं तो बार बार ऐप ओपन करके फिर चेक कर रहा था अपडेट ट्रैकिंग आईडी कहाँ तक आया, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट टाइम एप्पल प्रोडक्ट है ना, तो एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई है। तो फाइनली अभी 7:30 है, मतलब 7:30 PM है, वो एग्जीक्यूटिव कॉल किया था कि भाई हम आ रहे हैं आपका फ़ोन लेके, तो आने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने वो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। 2 hours later तो गाइज ये अमेजोन एग्जीक्यूटिव आ गया, अभी 9 बजे से पहले आने वाला था, आप टाइम देख सकते हैं, परफेक्ट 9 बजे से पहले आ गया। आपका नाम क्या भैया? ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप डिलीवर करते रहते, ऐसा फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता ना? नहीं, कभी नहीं भी आज तक नहीं हुआ ना? नहीं, तो चलिए मेरे साथ भी नहीं होगा, अनबॉक्स करते। थैंक यू भैया, अब जरा ये पकड़ो, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ओके भाई, तो गाइस फाइनली आ गया, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आईफोन 14 प्रो है, ऐसा तो कुछ भी होना नहीं चाहिए, फिर भी ये सिक्योर पैकेट में आया, इधर भी यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, चेक कर लिया हमने ऑलरेडी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से थोड़ा ब्रेकेज दिख रहा है, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। ये एडाप्टर था और ये रहा हमारा फ़ोन, इनवॉइस को हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर से दिख रहा था कि अभी मैं ओपन करा, मगर पूरी तरह से ब्रेकेज नहीं है। तो अगर हम पूरी तरह से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, और यहाँ से इसको हम उठाते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है यहाँ पे रैपर रहता है, ये सेटिस्फेक्शन है कुछ अलग रहता है, तो इसको इधर से करते हैं। ओके, तो फाइनली ये डीप पर्पल कलर में मेरा फ़ोन आ गया, बहुत एक्साइटमेंट तो बहुत ही था। फाइनली आप मेरा फ़ोन आ गया हाथ में, मतलब खुशी तो एक अलग लेवल का है। मैं ओपन भी कर रहा हूँ, इसको ऑन भी कर रहा हूँ, तो आईफोन का लोगो भी आ गया। यहाँ पे कुछ भी तो स्क्रैच वगैरह नहीं है, ऐसा तो नहीं होता नॉर्मली। तो काफ़ी लोग ऐसा डरते हैं ऑनलाइन से इतना कॉस्टली फ़ोन लेना, क्योंकि लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ्रॉड हो सकते हैं स्टोर में जाके लेते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन मिला तो मेरे को 7,000 डिस्काउंट भी मिल गया, तो इसलिए मैं ऑनलाइन से ले लिया। तो यहाँ पे हेलो नमस्ते भी आ गया, मेरा फ़ोन अभी सेटअप करके आ गया, वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। तो गाइस फाइनली ये डीप पर्पल कलर मेरे हाथ में आ चुका है,
आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये मैट ब्लैक वाला या फिर गोल्ड या सिल्वर या फिर ये डीप पर्पल कलर। तो गाइज फाइनली आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये सूट रहे हैं मेरा आईफोन 14 प्रो के फ्रंट कैमरा से, और माइक भी उसका ही है, मैं कोई एक्सटर्नल माइक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। आप कमेंट करके बताओ अभी वीडियो क्वालिटी आपको कैसे दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे एक मार्केट के पास में, जाके सबसे पहले इसमें स्क्रीन गार्ड और कवर लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट का निशान भी आ रहा है और तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है इसमें, अगर स्केच वगैरह आ गया तो फिर मूड खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले फोन को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। मैं ये चार मीनार के पीछे वाला मार्केट में आया था आईफोन में, मैं सबसे पहले स्क्रीन गार्ड और टेम्परेचर ग्लास पूरा लगा लिया कि बोले तो सेफ्टी फर्स्ट। मैं अब तक इसको सेटअप भी नहीं करा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका स्क्रीन गार्ड कवर और यूएसबी केबल लेने के लिए आया था। ये चार मीना के पीछे एक बड़ा सा मोबाइल का मार्केट है, यहाँ पे रिजनेबल रेट में मिल गया। ये स्क्रीन गार्ड कवर पूरा मिला के मेरे को 600 में आ गया और केबल भी साथ में आ गया, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस यहाँ पर मिलता है। तो गाइस फाइनली आज मेरा ड्रीम्स एक पूरा हो गया, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं आईफोन 14 प्रो मेरे हाथ में है जो कि मैंने आज इसको परचेस किया। अब हम बात करते हैं कैसे आज मैंने इस फोन को सिर्फ और सिर्फ 1,09,000 रुपीज से परचेस किया। अब शौक हो गया ना, कैसे 1,40,000 का फोन में 1,09,000 में परचेस कर लिया, वो भी एक इंडियन रिटेल यूनिट, ना कोई ग्लोबल पर्सन ना कहीं। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि दुबई जाके इसको परचेस करेंगे, बट जैसे मैं इसको 1,09,000 परचेस कर सकता हूँ सोचा, फिर मैं सोचा दुबई जाके क्या ही फायदा, वैसे जाएंगे कभी ना कभी एक बार, वो तो एक अलग ही पर्पज से। अगर आपके पास GST नंबर है यानी आपके घर में या फिर किसी के पास भी एक GST ऑथराइज बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस के अंदर इस फोन को एज एसेट ट्रीट कर सकते हैं तो आपको मिल सकते 18% डिस्काउंट, इन द सेंस आपको मिलेगा 18% GST का इनपुट टैक्स के लिए, जो डायरेक्टली आपके बैंक पे तो नहीं आएगा, वो आपका GST पोर्टल पे आएगा, वहां से जाके आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं आपका GST आउटपुट लाइबिलिटी के साथ। तो ये थोड़ा टैक्सेबल नॉलेज हो गया, बट मैं आपको सिंपल से बताऊं मैंने कैसे इसको परचेस किया। तो मैंने तो सोचा था इसको स्टोर से जाके परचेस करेंगे, आप वहाँ पे जाके भी GST लेके जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे पास एक अमेजोन का बिजनेस अकाउंट रहता है, अगर आपके पास GST नंबर है तो आप भी अमेजोन पे बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको विदाउट GST जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, आप बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने अमेजोन बिजनेस अकाउंट से इसको ऑर्डर करा और जब मैंने देखा कि इसका प्राइस भी ड्रॉप हो चुका है, 1,33,000 रुपीज़ पर मिल रहा है ये फ़ोन, तो फटाक से मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ये प्राइस इफेक्टिवली 1,33,000 से हटकर 24,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के बाद ये प्राइस होता है 1,09,000। है न कमाल का, ये 1,40,000 का फोन मैं सिर्फ 1,09,000 में परचेस कर लिया। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताओ ये वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसा है, ये वीडियो मैंने आईफोन 14 प्रो के रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ विदाउट एनी माइक। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ इसी तरह से कंटेंट लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड पीस, बाय।